हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बैचलर इन फार्मेसी किसी प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको फर्जी कॉलेजेस से बचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है। आपको इससे सावधानी बरतने के लिए कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा कॉलेज फर्जी कॉलेज है या फिर कौन सा कॉलेज PCI अप्रूव्ड है, आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एकदम इजीएस्ट वे में बताऊंगा। आप हर एक कॉलेज, जो भी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं, खुद से आप चेक कर पाएंगे अपने मोबाइल फोन में कि वो कॉलेज PCI से अप्रूव्ड है या नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से यदि फार्मेसी कर लेते हैं, चाहे डिप्लोमा हो या डिग्री कोर्स हो, तो आप कर लेंगे, आपको डिग्री तो मिल जाएगा डिप्लोमा या फिर बैचलर का, लेकिन आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा यदि आप वो कॉलेज, जिस कॉलेज से आपने किया है, वो PCI से अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको जानना है कि डिग्री सिर्फ नहीं लेना है, यदि आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है तो आपको यह कंफर्मेशन जरूर ले लेना है एडमिशन कराने से पहले कि वो कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप चेक करेंगे कि आपका यह कॉलेज जो है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो, कैसे चेक करेंगे कि वो PCI से अप्रूव्ड है या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक आप बने रहिए, आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं दे दूंगा, आपको इसके बाद कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि जो भी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो INC से अप्रूव्ड है या नहीं है, वो कैसे चेक करें। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कि पहले देखते हैं कैसे चेक करना है। ठीक है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली, टेक वन सेकेंड, आपको नॉर्मली PCI के ऑफिशियल वेबसाइट, PCI कहने का मतलब क्या हुआ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए आपको नंबर वन स्टेप गूगल या फिर क्रोम पे जाना है, मैं कहूंगा कि आप क्रोम पे जाओ। जब आप क्रोम पे जाओगे तो आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ सर्च किया है pci.nic.in। ठीक है, तो ठीक यही चीज आपको सर्च करना है। जब आप सर्च करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको एक 3 डॉट मिलेगा, जब आप इस 3 डॉट को क्लिक करोगे तो वहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे जाने का ऑप्शन मिलेगा। देन जब आप डेस्कटॉप साइट पे, मैंने कर लिया है पहले से ही, तो देन जब आप डेस्कटॉप साइट पे आओगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ओवरव्यू देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको फ्रंट व्यू मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये देखिए आपको कुछ यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहीं से हम चेक करेंगे कि आपका कॉलेज है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक 3 डॉट दिख रहा होगा, इस 3 लाइन है, डॉट नहीं है, 3 लाइन है, इस लाइन को क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, इस लाइन को क्लिक करेंगे, देन कुछ नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा अप्रूव्ड कॉलेजेस, है ना, वो लिस्ट को क्लिक करना है। क्या करना है, उसी लिस्ट को आपको क्लिक करना है। जब उस लिस्ट को हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन देखने को मिलेगा। देखिए कुछ नीचे इस प्रकार से आ गए, नीचे देखिए अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे रुका होगा डिप्लोमा इंस्टीट्यूट ओनली फॉर कंडक्ट, या फिर आप डिग्री लेना चाहते हैं तो डिग्री इंस्टीट्यूशन, मतलब डिग्री करने का तो आप बैचलर वाला, ठीक है, तो बैचलर वाला या फिर डिप्लोमा वाला, तो मैं चेक करूंगा डिप्लोमा वाला, आप अगर बैचलर वाले हो तो बैचलर में चेक कर लेना। ठीक है, देखिए कैसे चेक करना है, अब मैं चलता हूं किस पे, डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर कंडक्ट, उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, जब हमारा इस तरीके से इंटरफेस खुला, हम नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, तो जब स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, एक सेकंड नीचे की ओर चलते चलना है, तो हमारे पास कॉलेजेस के लिस्ट आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे हर कॉलेज के बारे में हर चीज पता चल जाएगा कि वो उसका फाइल नंबर क्या है, मतलब PCI नंबर कितना है, फिर वो किस स्टेट में है, वो कॉलेज किस स्टेट में है, फिर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन का नाम, फिर अप्रूवल एकेडमिक सेशन, वहाँ पे कब उसको अप्रूवल मिला है, फिर एग्जामिंग अथॉरिटी, वो उसका एग्जामिंग अथॉरिटी कहाँ से है, वो भी पता चल जाएगा उस कॉलेज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे यदि इस लिस्ट में आपके कॉलेज का नाम है तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप UP के हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं वो UP के जुड़े हुए हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश के कॉलेज, जैसे कि देखिए यहाँ पेज बाय पेज है, टेक वन सेकेंड, यहाँ पेज बाय पेज है, जैसे फर्स्ट पेज में सिर्फ क्या है, आंध्र प्रदेश के कुछ कॉलेजेज हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, जब नीचे की ओर स्क्रॉल करते करते नीचे जाएंगे, टेक वन सेकेंड, क्योंकि ये फोन है, तो यहाँ पे देखिए 19 पेजेज में, कितने पेज में टोटल,
19 पेजेज में कॉलेज का लिस्ट है। तो जो यूपी का कॉलेज है लगभग लास्ट में 17-18 पेज में दिया हुआ है, तो मैं उसमें जाके दिखाता हूँ, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं कॉलेज से, या फिर आपको ऐसा है कि यूपी में कौन कौन से कॉलेज अप्रूव्ड हैं तब आप जानना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। जैसे कि आप लगभग मेरे ख्याल से 19 को डायरेक्ट क्लिक करेंगे, टेक वन सेकेंड, 19 को डायरेक्ट क्लिक करेंगे। जब आप 19 को डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर में कुछ कॉलेजेज उत्तर प्रदेश के दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ कॉलेजेज दिखने शुरू हो जाएंगे जो कि पीसीआई से अप्रूवल है। यहाँ से आप यदि बैचलर डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हो तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको कन्फर्म है कि रजिस्ट्रेशन होगा, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। या फिर आप डायरेक्ट कॉलेज से सेलेक्ट करना चाहते हो कि आपको बस डायरेक्ट कॉलेज से सेलेक्ट करना है कि कौन, मतलब कोई कॉलेज आपको पता है वो अप्रूवल है या नहीं है, आप पूरे लिस्ट में तो खोजोगे नहीं, तो आपको सर्च करने का भी ऑप्शन देता है। जैसे नंबर वन पेज पे चले गए हम शांति से, फिर वहां पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे। जब ऊपर स्क्रॉल करते चलोगे आप तो आपको मान लेते हैं हम यूपी में एक प्राइवेट कॉलेज है, उस कॉलेज का मान लेते हैं कि वो कॉलेज, टेक वन सेकेंड, यहाँ सर्च बार में ऑप्शन देखिए, सर्च करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक यूपी में कॉलेज है, राम तीरथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठीक है, मैं जानता हूँ इसके बारे में। तो राम तीरथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी के बारे में है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा नॉर्मली राम, ठीक है, राम तीरथ, क्या है राम तीरथ, टेक वन सेकेंड, राम, देखिए करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए तभी यहाँ पे आएगा, देखिए इतना भी होगा तो राम तीरथ, एक सेकेंड जी, यहाँ पे मैं राम तीरथ कॉलेज की, यूपी का प्राइवेट कॉलेज है जो कि फार्मेसी का कॉलेज है, उसके बारे में बात कर रहा था। तो उसमें हो क्या रहा था कि इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं स्पेलिंग में राम और तीरथ के बीच में गैप नहीं डाल रहा था, जबकि गैप है। इसलिए मैं आपको भी बोल देता हूँ कि कॉलेज का यदि आपको एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ आपको पता है तभी आप सर्च करेंगे, देन आपके पास आएगा, नहीं तो आपको फिर खोजना पड़ जाएगा। जैसे कि अभी हम सर्च करते हैं क्या राम तीरथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी यूपी का, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली हम राम, जैसे कि हमें पता है कि राम, राम के बाद स्पेस है, कैपिटल टी है, तो उसके बाद आराम से टी डबल ई आर ए, इतना लिखते लिखते नीचे आ गया राम तीरथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आ गया ना, देखिए आपको दिख रहा होगा राम तीरथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी। इसका मतलब है कि आपको एकदम एग्जैक्ट स्पेलिंग पता होना चाहिए, कहाँ गैप है नहीं है वो भी चीज़ें पता होना चाहिए, तब आपको वो कॉलेज डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे कि इसका सीरियल नंबर कितना है, 335 है, कितना है 335 है, पीसीआई में फाइल नंबर इतना है, स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश में है, फिर अप्रूवल अप टू एकेडमिक सेशन, फिर है एग्जामिनिंग अथॉरिटी, तो ये भी पता चल जाएगा। इसी तरीके से कुछ झारखंड के कॉलेज हैं, जैसे कि झारखंड का एक कॉलेज है जो कि काफ़ी फेमस कॉलेज है, वो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे कि उसमें भी वही होगा कि एकदम एग्जैक्ट स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए। क्या हम करेंगे, जैसे कि BLM स्कूल ऑफ फार्मेसी, क्या होता है BLM स्कूल ऑफ, देखिए जैसे कि ये तो BLM स्कूल ऑफ फार्मेसी दिख गया ना, देख रहा होगा आपको BLM स्कूल ऑफ फार्मेसी जो कि झारखंड स्टेट में है, और इसका भी PCI नंबर यहाँ पे है, और अप्रूवल अप टू एकेडमिक सेशन एग्जामिन अथॉरिटी, मतलब ये बहुत अच्छा सा यूनिवर्सिटी एग्जाम, मतलब ये अच्छा, मतलब यहाँ से आप यदि डिप्लोमा कर लेते हैं, इसी कॉलेज का नहीं बात कर रहा हूँ, जो भी PCI से अप्रूव्ड है वहाँ से यदि आप कर लेते हैं तो आप फ्यूचर में अपने को आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में देखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको कंप्लीट पता चल गया होगा कि कैसे आप चेक करेंगे कि आपका कॉलेज PCI से अप्रूवल है या नहीं है, और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि बिना PCI में अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन ना ले, क्योंकि बहुत सारे काउंसिलर या फिर ब्रोकर होंगे जो कि आपको बहुत झूठ का तमाशा दिखाएंगे कि यहां पे ये प्लेसमेंट मिलता है, वो प्लेसमेंट मिलता है। भैया लाख का प्लेसमेंट मिले वहां से, लेकिन आपको वहां तभी जाना है जब वो क्या हो, PCI से अप्रूव्ड हो, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको जब तक अप्रूव नहीं करेगी तब तक उसका कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगा, उसकी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और जो बच्चे यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए थे जिनका अच्छा रैंक है उनको शुभकामनाएं, उनको कॉलेज मिलेगी ही, लेकिन जिनका एग्जाम का मतलब रैंक सही नहीं आया है, जिनका मार्क्स कम है, इस बार हम लोग कम समय में तैयारी करे थे तो उतना बेस्ट तैयारी हम लोग नहीं करवा पाए, लेकिन हाँ हम लोग इस बार बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग के लिए, हर चीज़ें काम स्टार्ट हो चुकी हैं,
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स सभी चीज़ों के टीचर्स पर्सनल टीचर आएंगे जो कि आपको यूपी पॉलिटेक्निक को खास करके तैयारी कराएंगे और साथ ही साथ आप CUET को भी फोकस करेंगे जिससे कि आपको कॉलेज मिलने की ज़्यादा चांसेज है क्योंकि उसके थ्रू भी आप फार्मेसी में एडमिशन मिलेगा नेक्स्ट ईयर से, इस साल से भी मिलेगा लेकिन आप नेक्स्ट ईयर का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और फार्मेसी से रिलेटेड एनी इशू हो आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम से यहाँ पे होता है, फिर अगर फार्मेसी में एडमिशन ले लेते हैं देन आपको उदित फार्मेसी नाम से यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है, वो चीज़ें आपको फार्मेसी में एकेडमिक में मदद करेंगी। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ओके बाय बाय, सी यू ऑल।